प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि COP28 के तहत इजराइल के राष्ट्रपति से मुलाकात की। हमास के साथ युद्ध के बाद ये पहली बार था जब प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायली राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से मुलाकात की। पीएम क्लाइमेट चेंज पर आयोजित कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने दुबई पहुंचे थे। उन्होंने मुलाकात में टू स्टेट फॉर्मूले पर जोर दिया। उन्होंने युद्ध विराम का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन गाजा को लगातार मानवीय मदद भेजने की अपील की है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया, प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायली राष्ट्रपति से मुलाकात में 7 अक्टूबर के हमले के बाद हुई हताहतों पर दुख जताया, साथ ही हमास द्वारा बंधकों की रिहाई जैसे कदम का स्वागत किया। हालांकि बंधकों की रिहाई पर विराम लग गया है। युद्ध विराम की समाप्ति के बाद से इजरायल फिर से गाजा पर बमबारी कर रहा है, जिसमें सैकड़ों जाने जा चुकी हैं। कुल 15,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिसमें हजारों की संख्या में बच्चे भी शामिल हैं। यूएन के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस भी COP28 में पहुंचे थे, जहां उन्होंने इजरायल के युद्ध पर विराम लगाने की अपील की। इजरायली राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को गाजा के ताजा अपडेट के बारे में बताया। इजरायली दूतावास की तरफ से एक ट्वीट में कहा गया कि प्रधानमंत्री ने इजरायली नागरिकों के मारे जाने पर दुख जाहिर किया है। इजरायल और हमास के बीच 7 दिनों तक युद्ध विराम लागू किया गया था। इस बीच हमास ने दर्जनों इजरायली विदेशी नागरिकों को रिहा किया। इसके बदले इजरायल ने भी 3 गुना फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा किया। पीएम मोदी और यूएन चीफ गुटेरेस ने दुबई में बातचीत की, लेकिन विशेष रूप से इजरायल हमास संघर्ष का जिक्र नहीं किया। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया, दोनों नेताओं ने जलवायु, वित्त प्रौद्योगिकी और संयुक्त राष्ट्र सहित बहुपक्षीय शासन और वित्तीय संस्थानों के सुधारों से संबंधित ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और चिंताओं पर बातचीत की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।